नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज हम अलास्का द लास्ट फ्रंटियर का प्रदर्शन करेंगे। लगभग 13,000 साल पहले लोग वहां पहुंचे जो अब अलास्का है। वे या तो चले गए या अब रूस से रवाना हुए, जो कि बेरिंग लैंड ब्रिज के रूप में जानी जाने वाली 600 मील चौड़ी जमीन से अलास्का से जुड़ा था। 1784 में रूसी यहां उतरे और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1867 में 2 सेंट प्रति एकड़ के लिए इस क्षेत्र को खरीदा। 1872 में सोने की खोज तक कई लोगों ने सोचा कि कठिन वातावरण एक बुरा निवेश था। 1959 में अलास्का संयुक्त राज्य का 49वां राज्य बन गया। इनुइट, तलंगेत, हैदा, अलेक्स, अथाबास्केन और यूपिक उन स्वदेशी लोगों में से हैं जो अभी भी यहाँ रहते हैं। सीता का अलास्का के सबसे आश्चर्यजनक समुद्र तट शहरों में से एक है। यह माउंट एडिकुम्बे की तलहटी के पास स्थित है, जो एक निष्क्रिय बर्फ से ढका ज्वालामुखी है और मछली पकड़ने और प्राकृतिक रास्तों के लिए जाना जाता है। अलास्का के बारे में सोचते समय सीता का पहला शहर नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक सच्चा रत्न है। इसमें सुंदर राष्ट्रीय उद्यान, एक दिलचस्प इतिहास और कई तरह की गतिविधियां हैं जो आपको सुंदर परिदृश्य और इलाके का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करती हैं। एंकोरेज, अलास्का का सबसे बड़ा शहर, राज्य के दक्षिण मध्य क्षेत्र में कुक इनलेट पर स्थित है। यह अपने सांस्कृतिक आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अलास्का नेटिव हेरिटेज सेंटर भी शामिल है, जो पारंपरिक शिल्प दिखाता है, नृत्य प्रदर्शन करता है और स्वदेशी समुदायों के घरों के पुनर्निर्माण को दर्शाता है। चुगक, केनाय और ताल केतना पर्वतमाला, साथ ही साथ पड़ोसी जंगल क्षेत्र और पहाड़ सभी शहर से सुलभ हैं। गर्दवुड अलास्का राज्य में एक छुट्टी शहर है, जो एंकोरेज नगर पालिका के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित है। गर्दवुड निर्विवाद रूप से इससे दूर होने और अलास्का का सबसे अच्छा अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी जगह है। गर्दवुड का छोटा शहर, जिसे पहले ग्लेशियर सिटी के नाम से जाना जाता था, का एक लंबा और शानदार इतिहास है। जूनो शहर या बस जुनेव अलास्का की राज्य की राजधानी है। यह एक एकीकृत नगर पालिका और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो गेस्टनो चैनल और अलास्का पेनहैंडल में स्थित है। जूनो एक पहाड़ी शहर है, एक समुद्र तटीय बस्ती है और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे सुंदर राजधानी है। जूनो एक प्राकृतिक आश्चर्य, एक वन्यजीव हॉटस्पॉट और एक सांस्कृतिक गहना है, जिसमें इतिहास, कला, संगीत और मूल विरासत का मिलान होता है।
कैचिकन अलास्का के दक्षिणी तट पर एक समुदाय है जो एक लोकप्रिय क्रूज मार्ग इनसाइड पैसेज का सामना करता है। यह अपने कई मूल अमेरिकी टोटम ध्रुवों के लिए प्रसिद्ध है जो पूरे शहर में पाए जा सकते हैं। मिस्टी फ्योर्ड्स नेशनल मॉन्यूमेंट जो पास में है, बर्फ से ढके पहाड़ों, झरनों और सैल्मन स्पॉनिंग धाराओं के साथ एक ग्लेशियर नक्काशीदार जंगल है। इसमें विविध वन्यजीव आबादी भी है जिसमें काले भालू, भेड़िए और गंजा ईगल शामिल हैं। मेंडेनहॉल ग्लेशियर मेंडेनहॉल घाटी में स्थित एक 13 मील लंबा ग्लेशियर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में जूनो शहर से लगभग 12 मील दूर है। लिटिल आइस एज के अंत के बाद से दक्षिण पूर्व अलास्का में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिनमें से कई स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के पास हैं। जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो भूमि ऊपर उठने लगती है जिससे पहले से सिले हुए दोष खुल जाते हैं। डाउनहिल स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्नोशूइंग, आइस स्केटिंग, फैट टायर बाइसिकलिंग एंड स्नोमोबाइलिंग आर ऑल पॉपुलर विंटर एक्टिविटीज इन अलास्का। विंटर ब्रिंग्स लोअर प्राइसेस ऑन एवरीथिंग फ्रॉम होटल्स टू रेंटल व्हीकल्स एंड टूर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ अलास्का। डेनाली नेशनल पार्क के अंदर अलास्का रेंज के उत्तर की ओर विस्तृत टुंड्रा आवास एक प्रसिद्ध और अच्छी तरह से अध्ययन किए गए कारिबू झुंड का घर है। यात्री और पैदल यात्री अक्सर 92 मील लंबी डेनाली पार्क रोड के साथ जीवों को देख सकते हैं, कभी कभी करीब। डेनाली नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व में अलास्का रेंज के उत्तर की ओर 1,800 से अधिक मूस हैं। डेनाली नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व सिर्फ चोटी की वजह से ही अनोखा नहीं है। पार्क 37 विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का भी घर है जिसमें लिंक्स, मामोट्स और आर्कटिक ग्राउंड गिलहरी, साथ ही लोमड़ियों और स्नोशू हॉर्स और 130 विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें राजसी गोल्डन ईगल भी शामिल है। भूरे भालू विशेष रूप से किनारे के पास रहने वाले सामन का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। ये भालू मछली पकड़ने के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करते हैं। एक गुजरती मछली को पिन करने से पहले वे प्रतीक्षा कर सकते हैं और पानी देख सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे सिर्फ गोता लगा सकते हैं और अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। मछली पकड़ने के दौरान यदि भालू आपके पास आता है तो कुछ बातों का ध्यान रखें।
छिछले मछली के प्रति भालू आकर्षित होते हैं। यदि आपकी लाइन में मछली है और भालू पास आता है तो लाइन को तोड़ दें या छींटे को रोकने के लिए इसे थोड़ा ढीला करें। भालू को आपसे कुछ लेने की अनुमति देना कभी अच्छा विचार नहीं है। दूर उत्तर के अपवाद के साथ बीबर पूरे अलास्का में पाए जा सकते हैं, जहां जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उनकी सीमा का विस्तार करने का अनुमान है। शोधकर्ताओं ने उपग्रह फोटोग्राफी का उपयोग करके कोचीब्यू के पास बालवन ट्राइब द्वीप पर बीबर के विस्फोट का पता लगाया है। १९८० के दशक के उत्तरार्ध में लुप्तप्राय जानवरों को फिर से शुरू करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में युकोन में बाइसन को फिर से पेश किया गया था। 170 बाइसन के निकलने के बाद झुंड बढ़कर 1,400 बाइसन हो गया है। झुंड की सीमा का विस्तार अशहिक, सेकुलमुन और हुशी झीलों के वाटरशेड को कवर करने के लिए किया गया है। वाटसन झील के दक्षिण में अलास्का राजमार्ग के किनारे वुड बाइसन का एक झुंड देखा जा सकता है और कई यूकोनर्स और आगंतुकों का उनके साथ घनिष्ठ सामना हुआ है। एक शानदार उज्ज्वल सर्दियों के दिन कुवारी बर्फ से ढकी एक जमी हुई नदी के पार स्लेजिंग का मानव आत्मा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह छोटा समूह व्यक्तिगत अलास्का कुत्ता स्लेजिंग टूर आपको प्रामाणिक अलास्का कुत्ते स्लेजिंग संस्कृति में जनता से दूर और रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल से दूर करता है। यह अलास्का के सबसे भव्य और सुव्यवस्थित शीतकालीन राजमार्गों में से एक पार्क्स हाईवे से केवल 45 मिनट की यात्रा है। आशा है आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।